टिहरी के झील में गंदगी फैलाने पर ली रॉय कंपनी के अधिकारी को एसडीएम ने नोटिस जारी किया। दरअसल टिहरी झील में शिवर डाले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद से सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी ने ली रॉय कंपनी के मुख्य गेट पर भी धरने पर बैठ गए। वहीं उत्तरायणी भागीरथी समिति के अध्यक्ष कुलदीप पवार ने डीएम को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा और जांच की मांग की। वीडियो को वायरल करने वाले कर्मचारी को ग्रुप ने हटा दिया है। टिहरी झील में गंदगी फैलाने के आरोप में ली रॉय कंपनी का फ्लोटिंग हट्स के किचन को प्रशासन ने सीज कर दिया है। झील में पीपीपी मोड पर ली रॉय ग्रुप फ्लोटिंग हट्स और होटल संचालित कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम अपूर्वा सिंह के नेतृत्व में प्रशासन, प्रदूषण, पर्यटन और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान फ्लोटिंग हट्स के किचन में अनियमितताएं पाई गई। वहीं टिहरी झील में पाइप के जरिए सीपरेज को झील में डाले जाने के वीडियो का भी टीम ने पड़ताल की और संचालनकर्ता कंपनी को नोटिस जारी कर चालान किया। हमने मौके पर आकर के जो भी ये जो पर्यटन इकाई है इसका पूरे का जो औचक निरीक्षण है, पोल्यूशन की दृष्टि से भी, सीवेज की जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी दृष्टि से भी, एंड हमने रैंडम चेकिंग्स करी है। रैंडम वो जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करा करके देखा है। उसमें जहां पे लूप होल्स है उसको हम अपनी रिपोर्ट में भी लाएंगे और जो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाएगा। एंड जो लगा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि नेक्स्ट 10 डेज के विदिन इनकी रिग्रेस मॉनिटरिंग करते हुए जो प्रोसेस है वो पूरा जो फॉलो हो रहा है क्या वो नियमानुसार है या नहीं।